रामपुर के सिविलाइंस थाना क्षेत्र से अंतर्राज्य में ठगी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से हाल ही में ठगी की गई सोने की चार चैन, 12 बोर का तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त पागपड़ा मुरादाबाद का रहने वाला है। पुलिस इसके आपराधिक इतिहास की छानबीन कर रही है। सिविलाइंस थाना क्षेत्र में बीते दिनों ज्वेलर्स के यहाँ हुई ठगी का खुलासा करते हुए सिविलाइंस पुलिस ने कमाल उर्फ राशिद नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से सोने की चार चैन और एक नाजायज असला तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी इस तरीके के कार्यों में लिप्त है। युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया, 17/12/2018 में थाना सिविल लाइंस के ज्वाला नगर क्षेत्र से एक ठगी का मामला था। एक आदमी ज्वेलर्स की दुकान पर फोन करता है, मेरे घर में शादी, कुछ ज्वेलरी लेनी है। पहले जाता है, चांदी की जेवर्स ले आता है, फिर कहता है ये पसंद नहीं, दोबारा कहता है मुझे चेन भी कुछ चाहिए। और उसके बच्चा एक दुकान पे है, उससे साथ लेकर के चार चेन लेके निकलता है। बच्चे को बैठा देता, कहता मैं घर में दिखा के आता हूँ, और फिर बगल से निकल जाता है। तो कमाल राशिद नाम का ये आदमी है, जो आज थाना सिविल लाइंस पुलिस स्वाट टीम ने पकड़ा है। और हमारे थाना क्षेत्र से जो ज्वेलर्स की दुकान से चार चेन ले गया था, चारों चेनें बरामद हो गई, उसके बाद से एक नाजायज तमंचा बरामद हुआ। पूछताछ में इसने बताया है कि इसने भोपाल में, दिल्ली में इस तरह की घटनाएं पहले भी कारित की हैं, वहाँ से भी इसका आपराधिक इतिहास जुटाया जा रहा है। और इस तरह से ये हर बार बताता है कि जब इस तरह की हम धोखाधड़ी करते हैं तो 70-80 ग्राम तक के सोना ले जाते हैं और उससे फिर बेच लेते हैं मार्केट में सस्ते का। कितनी कीमत होगी फिर? अभी तो हमारी जो चारों चेने गई थी, ये चारों चेने मूल चेने अभी बेच नहीं पाया था, तो इससे रिकवर हो गई। और मुझे लगता है कि हर चेन लगभग 10-10 ग्राम की होगी, तो 35 से 40 ग्राम सोना है। और मार्केट में आज की तारीख 32,000 रुपये के आसपास सोना चल रहा है। कहाँ का रहने वाला? ये पागवाड़ा मुरादाबाद का रहने वाला। कहाँ का बता रहे हैं? मुरादाबाद। कब से कर रहा काम ये? इसके बताने के हिसाब से पिछले 3-4 वर्षों से ये धंधे में बात है।